मनमोहन सिंह को अमृतसर से चुनाव लड़वाना चाहती है कांग्रेस, लेकिन पूर्व पीएम ने कर दिया इनकार। नमस्कार दोस्तों, आप सभी का हार्दिक स्वागत है हमारे चैनल पर। दोस्तों, भारतीय चुनाव आयोग ने रविवार को लोकसभा चुनाव की तारीखों का ऐलान कर दिया। 11 अप्रैल को पहले चरण के लिए वोटिंग होगी। इसके ऐलान के बाद सभी राजनीतिक पार्टियां प्रत्याशियों के चयन, सीट बंटवारे को लेकर एक्टिव हो गई हैं। इसी कड़ी में कांग्रेस ने पूर्व प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह को लोकसभा चुनाव लड़ने का फैसला किया है, लेकिन डॉक्टर सिंह ने चुनाव लड़ने से शायद इनकार कर दिया है। दरअसल 86 साल के मनमोहन सिंह का राज्यसभा का कार्यकाल 14 जून 2019 को समाप्त हो रहा है। ऐसे में कांग्रेस इस बार मनमोहन सिंह को अमृतसर से लोकसभा चुनाव लड़वाना चाहती है। इस बवावत पंजाब के मुख्यमंत्री कैप्टन अमरिंदर सिंह, राज्य मामलों के प्रभारी आशा कुमारी और पंजाब प्रदेश के कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष सुनील कुमार झाकड़ ने मनमोहन सिंह से मुलाकात की और अमृतसर से आगामी लोकसभा चुनाव लड़ने का आग्रह भी किया। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक तीन नेताओं ने काफी देर मनमोहन सिंह से बातचीत की और उनसे चुनाव लड़ने का आग्रह किया, लेकिन पूर्व सीपीएम ने चुनाव लड़ने से इनकार कर दिया। मनमोहन सिंह ने चुनाव लड़ने से कर दिया इनकार। एक रिपोर्ट के मुताबिक मनमोहन सिंह इस विचार से ज्यादा उत्साहित नहीं थे और प्रतिनिधित्व मंडल को बताया था कि वह चुनाव लड़ने के लिए बहुत बूढ़े हो चुके हैं। अमरिंदर सिंह ने यह तक कहा कि केवल नामांकन के लिए आपको एक बार अमृतसर आना होगा, बाकी सारा अभियान कांग्रेस पार्टी के अन्य नेता और वो खुद देखेंगे। लेकिन सिंह ने शायद साफ कह दिया कि वो चुनाव लड़ने में सक्षम नहीं है। गौरतलब है कि मनमोहन सिंह वर्तमान में असम से राज्यसभा सांसद हैं। दोस्तों, अगर आपको हमारी यह जानकारी पसंद आए तो कमेंट करके हमें जरूर बताएं और हमारे इस वीडियो को लाइक और शेयर जरूर कीजिए, और आगे भी ऐसी खबरें देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, क्योंकि हम हर रोज ऐसी खबरें आपके लिए लाते रहते हैं। धन्यवाद।